हाय, आज बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज चमकदार शहर बेबीलोन पर लिखी जॉर्ज सैमुअल क्लेशन की किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, और जानेंगे प्राचीन लोगों के सफलता के रहस्य जिन्हें अपना कर कोई भी बेबीलोन के लोगों की तरह अमीर हो सकता है। किताब में कहानियों की तर्ज पर सरल भाषा में रहस्य को बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। नंबर एक, अपने बटुए को मोटा करें। इस बात को हम एक अंडे की टोकरी से समझते हैं। अगर हम हर रोज सुबह 10 अंडे टोकरी में डालें और शाम को 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? सही समझे आप, एक समय के बाद टोकरी पूरी भर जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जितना कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपनी सेविंग में डालें। ये 10% भी हो सकता है और ज़्यादा भी, और कोशिश करें 10% से कम ना हो। कई लोग कहते हैं कि एक आदमी अपनी इनकम का 10% कैसे बचा सकता है जब उसके खर्च के लिए सारी इनकम पूरी नहीं पड़ती। दरअसल ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग पार्किंसन लॉ का शिकार होते हैं जो कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसी अनुपात में हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये में अपने खर्च मैनेज करता है, जब उसको 15,000 रुपये मिलना शुरू होते हैं तो कम पड़ते हैं। अगर आप 10% सेव नहीं कर सकते तो एक बात पर गौर करें कि आपकी इनकम तो सेम रहती है पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आप फिर भी मैनेज कर लेते हैं। पर जब बात सेविंग की आती है तब हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी इच्छाओं को ज़रूरी खर्च से ना मिलाएं। अब अगर आपने 10% सेव करने का मन बना लिया है तो अब आते हैं नंबर दो पर, अपने पैसे को काम पर लगाएं। पुट योर मनी टू वर्क। सेविंग करने की आदत डालना पहला पड़ाव है, अब उस सेविंग को काम पर लगाना होगा। कोई भी सिर्फ सेविंग करके अमीर नहीं बन सकता। तिजोरी में रखा पैसा किताब में रखे मोर पंख से ज़्यादा कुछ नहीं जो कभी नहीं बढ़ता। इसके लिए आपको अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना होगा। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि वो अपने पैसे को काम पर लगाता है जिससे वो और पैसा कमा कर देते हैं। आपको भी अपना पैसा काम पर लगाना होगा, मतलब इन्वेस्ट करना होगा, और उससे जो प्रॉफिट मिलता है उसको फिर नई जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। इससे होगा यह कि कुछ समय के बाद आपके पास कई सोर्स ऑफ इनकम होंगी। नंबर तीन, अपनी सेविंग को नुकसान से बचाएं। अरकत, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, कहता है कि निवेश का पहला सिद्धांत है मूलधन की रक्षा हो। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आकर आप अपनी सेविंग ही खो दें। जैसे कहीं जल्दी पहुँचने के चक्कर में तेज़ गाड़ी चलाना खतरनाक होता है और तेज़ चलाने पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है, वैसे ही हाई प्रॉफिट के चक्कर में हाई रिस्क भी होता है। आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले यह ज़रूर देख लें कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। क्षेत्र में आप निवेश करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें या आप खुद इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं। नंबर चार, कमाने की क्षमता बढ़ाएं। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जब आप किसी काम में माहिर होते हैं तो उसको करने का आपको ज़्यादा पैसा मिलता है कंपैरिजन देन जिसने उस काम को करने की शुरुआत ही की है जिसका एक्सपीरियंस आपसे कम है। इसलिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाते रहना चाहिए। इससे होगा यह है कि आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। इमेजिन कीजिए कि जब आप 100 रुपये कमाते हैं तब उसका 10% 10 रुपये सेव करते हैं, वहीं जब आप 1,000 रुपये कमाएंगे तो 10% में ही 100 रुपये सेव करेंगे। जब आप ज़्यादा सेव करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तब आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आप खुद को इम्प्रूव करते रहें। नंबर पाँच, सभी अंडों को एक टोकरी में
ना रखें। हम अक्सर जब सफ़र पर निकलते हैं तो निकलने से पहले हम अपने पैसों को 3 से 4 अलग अलग जगहों पर रखते हैं, ताकि सफ़र में अगर बैग चोरी हो जाए, जेब कट जाए या पैसे गिर जाएं, फिर भी हमारे पास बैकअप बना रहे और उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। ये छोटी सी बात हम सभी जानते हैं। आपको अपनी सेविंग इसी तरह इन्वेस्ट करनी है, ताकि अगर कोई एक सेक्टर प्रॉब्लम में आता भी है, फिर भी आपकी बची हुई सेविंग सेफ रहे। ये थे वो नियम जिन्हें अपना कर आप भी अमीर बनने की राह में पहला कदम रख सकते हैं। याद रखें, पैसा जमा करने में खर्च करने से ज़्यादा आनंद आता है। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और खूब सारे कमेंट करें और दबा के शेयर करें, पैसा नहीं लगता। फिर मिलते हैं आपसे एक नई बुक और जोश के साथ यहीं पर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।